नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर के सियासत एक बार फिर से गर्मा रही है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं, जिस पर विपक्षी पार्टी फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कल भी बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने मुख्यमंत्री के इस यात्रा पर सवाल जड़ा था और कहा था कि उनका ये यात्रा तभी सफल होगा जब वो छपरा पहुंच के वहाँ के मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें मदद करेंगे। उसके बाद आज भी विपक्षी और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है उनके इस यात्रा पर। तो नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे तो जनता की जनमत को जानने का प्रयास करना चाहिए, और हम कहेंगे कि आप जिस तरह कैमरा लेकर खड़े हैं उसी तरह नीतीश कुमार एक वीडियो रिकॉर्डिंग का भी व्यवस्था करें, और जहां जहां नीतीश कुमार जाएंगे उसके एक सप्ताह के बाद मैं उसी जगह पर जाऊंगा, और सरकार ने क्या काम किया नहीं किया उसकी सारी पोल हम वहाँ खोलने का काम करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बिहार यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो जहां जहां जाएंगे इस बिहार यात्रा में उसके ठीक 7 दिन बाद हम भी जाएंगे और वहां पे नीतीश कुमार का पोल खोलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, वो सभी नीतीश कुमार के देखरेख में हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने नीतीश कुमार पे लगाया है। वो इल्ज़ाम लगाते हुए दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार पे साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार की जो बात है और जो बोली है वो अब गुंडों की तरह हो गई है। तो क्या कुछ और आगे प्रतिक्रिया निकल करके आएगी, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, और इस यात्रा पर क्या कुछ सवाल जवाब के सिलसिले जारी रहेंगे ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।